जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जब से नई नियमावली जारी हुए हैं, जिसे अभ्यर्थी काला कानून मानते हैं, इससे अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराज़गी है। 4 साल से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, 7वें चरण विज्ञापन की मांग कर रहे थे और कई बार प्रदर्शन भी किए। और इस बीच जो नई नियमावली 2023 जिसे अभ्यर्थी काला कानून मानते हैं, इसमें इस टाइप की बातें की गई हैं। और एक तरह से कहा जाए तो आकर्षक वेतन लोभ देकर नियुक्ति पत्र के बदले प्रवेश पत्र जैसी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और अभ्यर्थियों में नाराज़गी है, नियुक्त एवं कार्य शिक्षक में भी नाराज़गी है। और अभ्यर्थी जो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्या चाहते हैं? तो चाहते हैं पहले 6ठे चरण जैसे शिक्षक बनाएं और उसके बाद BPSC से या फिर UPSC से, जिससे भी है, परीक्षा लेकर राजकर्मी का दर्जा दे या न दें, पहले 6ठे चरण जैसे शिक्षक बनाएं। उसी प्रक्रिया से जैसे 6ठे चरण में बहाली हुई है, उसी अनुसार से उसके बाद आगे बातें करने वाले हैं। और इस बात को विधायक संदीप सौरभ जी भी पहुंचाने के लिए प्रयास किए हैं और ज्ञापन सौंपे हैं, मुख्यमंत्री तक बातें पहुँचे। और आप लोग जानते हैं प्रधान सचिव से मुलाकात, तो ये सब जानकारी स्पष्ट हुई है और विधायक संदीप सौरभ जी भी बातें पहुँचाए हैं। आप लोग देख सकते हैं 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए भी और नियुक्त एवं कार्य शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी परीक्षा से मुक्त रखने की कृपा की जाए। अभ्यर्थी 4 साल से इंतजार कर रहे थे और अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराज़गी है, निराशा है, आशंका है, तो ये सब का बात का भी जिक्र किए हैं उसमें। और इसके अलावा जो नियुक्त एवं कार्य शिक्षक की बात करें तो यह भी बातें किए हैं परीक्षा लेने से कि जो और इधर जो बहाल होंगे, तो इस टाइप की बातें करने से कई वर्ग बन जाएंगे, शिक्षकों में भी कई वर्ग बन जाएंगे, जैसे कि परीक्षा जिन्हें जो परीक्षा देंगे और जो परीक्षा नहीं देंगे और जो है परीक्षा पास करेंगे, जो परीक्षा नहीं पास करेंगे। इसके अलावा और भी कई वर्ग की बात करें, जो पुराने वेतनमान के शिक्षक हैं, तो ये सब वर्ग बन जाएंगे, तो ये सभी बातों का भी जिक्र किए हैं। और इसके अलावा जो गुणवत्ता में सुधार के लिए तो ट्रेनिंग की बातें हैं और शिक्षकों की जो 4 साल से कमी है, भारी कमी है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में। और यहाँ पर आप लोग बिहार स्टेट 19 की बात करें तो काफ़ी कम अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए, 80,000 ही अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए, जबकि रिक्तियों की संख्या सरकार द्वारा भी स्पष्ट की जाती है 1,30,000 और बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही 80,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कई कारण होते हैं, अन्य जॉब मिल जाते हैं, क्वालिफिकेशन का मामला होता है और कई कारण होते हैं जिससे अभ्यर्थियों की संख्या और भी कम हो जाएगी। इसके अलावा जो अन्य जॉब के अलावा जो अपीयरिंग का मामला होता है, तो ये सब बातें हैं, तो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये सब कारण से जो जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात क्या करना, जो शिक्षक को ट्रेनिंग देकर जो इतने क्वालिफिकेशन प्राप्त की हैं, तो अगर जो स्टेट क्वालिफाइड हैं तो एक तरह से कहा जाए तो योग्य तो हैं ही, और इससे भी योग्य ट्रेनिंग ये सब देकर बनाए जा सकते हैं, तो ये भी बातें हैं। और पुराने वेतनमान से तो अधिकतर जो शिक्षक अब बनते हैं, जो 2012 से जो टेट स्टेट पास करके बनते हैं, वो ज़्यादा क्वालिफाइड एक तरह से कहा जाए हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन भी देखे जाते हैं मेधा सूची के लिए, और इसके अलावा जो ये परीक्षा भी पास करते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास करते हैं, तो उनसे तो अधिकतर बेहतर टीचर तो अब इधर मिल रहे हैं एक तरह से कहा जाए तो। नियमावली 2023 से नियुक्त एवं कार्य शिक्षक भी नाराज हैं, अभ्यर्थी भी नाराज हैं और नियमावली 2023 का पुरजोर विरोध किए जा रहे हैं। और आगे आप लोग देखेंगे, इस पर बातें कर चुके हैं, पूरा बिहार नाराज, इन 4 वर्ग में ही अधिकतर आ जाते हैं, आप लोग देखेंगे, इस पर बातें कर चुके हैं विस्तार से। और कड़ी चुनौती है जो नए छात्र छात्रा के लिए भी, जो BEd में एडमिशन लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, कड़ी चुनौती होगी। पहले क्वालिफिकेशन प्राप्त करने में भी समय लगते हैं, काफ़ी समय लगते हैं, गरीब अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से कहा जाए तो गरीब अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत है और कड़ी चुनौती है। पहले टेट पास करेंगे, उसके अलावा जो टेट भी नहीं करते हैं, जो देखते हैं आप लोग भी रिजल्ट से भी आप लोग पता लगा सकते हैं, 100% तो रिजल्ट होता नहीं है टेट में,
तो उसके बाद पहले टेट पास करेंगे, उसके बाद बीपीएससी करेंगे, तो ये सब के बाद काफ़ी समय लगेंगे। और बिहार में वैकेंसी भी 4 साल 5 साल पर आती है, जबकि जो पुराना कानून आप लोग देखते हैं जो चुनाव के लिए बात करें तो चुनाव भी बीच में नहीं होते हैं, जो सरकार भी बदल जाती है। इसके अलावा बात करें जनता का विश्वास जितना नेता मंत्री का काम है, लेकिन बार बार चुनाव क्या होते हैं। इसके अलावा जो बात करें जो मंत्री और नेता बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन, यहाँ तक कि मैट्रिक पास हो या ना हो वो भी बन जाते हैं, लेकिन जो गरीब अभ्यर्थियों के लिए जो कड़ी चुनौती की बातें कर दी जाती हैं। और देख सकते हैं आप लोग जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो अभ्यर्थी प्राप्त करते हैं इसमें भी समय लगते हैं, तो इन्हें जो ट्रेनिंग देकर भी काफ़ी योग्य बनाए जा सकते हैं। तो टेट पास करते हैं तो योग्य वैसे भी हो जाते हैं। तो आगे आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टेट दोनों अभ्यर्थियों के लिए जो क्या बातें पता थी पहले से, तो छठे चरण जैसे बहाली के बारे में पता थी, नियमावली के बारे में, स्टेट जो विज्ञापन के बारे में, जो इसके अलावा जो समय नियमावली देख सकते हैं जो रिजल्ट के समय में नियमावली 2020 के बारे में, तो ये सब के बारे में जानकारी थी। तो अचानक से जो इतना बड़ा बदलाव नहीं की जा सकते हैं, पहले से पूर्व में घोषणा के बाद जो ये जो नियमावली है इसको 5 साल 7 साल के बाद लागू होते हैं तो अलग बातें होगी। तो ऐसे में जो नए छात्र हैं जो बीएड करने वाले हैं वो सब भी जानेंगे, पहले से आने से पहले ही जानेंगे कि जो करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। जो गरीब अभ्यर्थियों की बात करें तो काफ़ी समय तो वैसे भी क्वालिफिकेशन में गुजर जाते हैं, तो सबके लिए एक तरह से कहा जाए तो मुसीबत जैसी बातें हैं। और कुछ कंडिका जोड़कर ही संशोधन किए जा सकते हैं, इतना बड़ा बदलाव बिल्कुल ही सही नहीं है, बिल्कुल ही काला कानून के रूप में इसे जो अभ्यर्थी मानते हैं बिल्कुल ही एक तरह से देखा जाए तो। आप लोग देख सकते हैं जो ये सभी जानकारी अभ्यर्थियों को पता थी, और ये सभी जानकारी पता थी अभ्यर्थियों को,